उधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त तत्वाधान में चलित थाना कमरोद बेला पहुंची, जहां बड़ी संख्या में आम जनता शिविर में शामिल हुए। पुलिस पदाधिकारियों ने मौके पर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान बताया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजनों से बेहतर सामंजस्य बनाकर उन्हें निर्भीक और भयमुक्त माहौल देना है। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। मौके पर महिलाओं और युवतियों को मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया, साथ ही नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनने की अपील की गई। दान दाता मन के सहयोग मिली, शासन के सहयोग मिली तो आज हम लगभग ये मंदिर के निर्माण में 45 से 50 लाख रुपए लगा चुके हैं और शासन से भी हमला सहायता राशि मिले के शुरुआत हो चुकी है। 5 लाख रुपये हमला सहायता राशि शासन से मिल चुके हैं, जेकर अभी गुंबज निर्माण करे गए हैं तो धीरे धीरे यहाँ के जो श्रद्धालु मन के आवागमन है वो बढ़त है और दानदाता मन के भी यहाँ भरपूर सहयोग मिलत है। ये मान्यता हमार पूरा छत्तीसगढ़ में और देश में है और जे भी श्रद्धालु यहाँ आते ओकर मनोकामना यहाँ से पूर्ण हो जाती। कमरौद में मेला स्थल में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ चलित थाना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो फरियादी हैं जो अपने समस्या को भी लेके आ रहे हैं, जिसका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ में आज यातायात की व्यवस्था के लिए ही यहाँ पर दोनों साइड में स्टॉपर लगाकर गति अवरोध किया गया है और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। निश्चित ही यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन अपने मनोकामना लेके आए हैं, उसके लिए पूरा बालोद पुलिस सुरक्षा के लिए कतार प्रतिबद्ध है। गश्ती दल लगा हुआ है, जो समय समय पर भीड़ भाड़ के इलाकों पर जो संदिग्ध परिस्थिति में कोई घूम रहे हैं उसको पूछताछ किया जा रहा है, पकड़ धकड़ किया जा रहा है। साथ ही जो ज्यादा